Good morning friends, आज हमारा रिवाल्सर टूर जो रिवाल्सर ब्लॉग का जो डेट सेकेंड है और ये सुबह के अभी करीब तकरीबन 6 बजे हैं, तो मैं उठ गया हूँ और मेरा फ्रेंड भी उठ गया है, वो वॉशरूम गया है। तो हम अभी जाएंगे रिवाल्सर के जो झील के चक्कर लगाने, मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वर्कआउट, थोड़ा सा वार्म अप। और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है सुबह का यहाँ पे रिवाल्सर में। ऐसे लग रहा है कहीं हम कहीं बीच के किनारे बैठे हैं, इतना पीस है यहाँ पे, इतना शांति है, मानो कि हम कहीं जन्नत पे आ गए हैं। और मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग वेरी ग्लेड टू बी हियर। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं हर एक मंथ में या हर एक साल आऊं। और एक्चुअली मैं बचपन से आ ही रहा हूँ, जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आता था, और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर मैं जब भी टाइम मिलता था ड्यूरिंग विंटर्स में आ जाता था। तो इस बार मैं काफ़ी 2 साल बाद आया हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी वर्डलेस, कोई शब्द नहीं है मुझे कहने के लिए। और दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड ऑसम प्लेस। यो एवरीवन, ये देखिए रिवाल्सर का जो हमारे श्री गुरु पद्म संभव जी, इनको बुद्धिस्म में गुरु रंपुच्छे के नाम से जाने जाते हैं। हेलो मंक, छोटा सा क्यूट सा, इस प्लेइंग विद फिशेस। वाओ, पकड़ सकते इसको? माय गॉश, फिशेस आ गए, पकड़ सकते हो आप? मैं कैसे पकड़ूं? नहीं, इनको बोलो ये पकड़ रहे। छोटे पकड़ेगा? छोटे क्यों बोले, ऐसे मत बोलो, लामा जी बोलो। क्या नाम है इनका? Man, where are you going? Don't go. Don't cross the line. मैं तो किन्नौर से हूँ। अच्छा, हाँ जी, इनको भगवान ने बनाया ना कुछ नहीं खाने का। लद्दाख में तो सारा पानी के नीचे, हाँ जी, हाँ बर्फ के नीचे रहते, तो बर्फ के नीचे मछली रहते, हाँ जी। आप कहाँ से? लद्दाख से? लद्दाख ये शांति, सुख शांति। हाँ, माने के माने पढ़ने के गोवारी तुक सुनचन थमचत बोलता, जो संसार में जीव जंतु जो भी है उनके शांति के लिए। मतलब क्या हो गया इसका माने? तो भगवान वो आर्या लोग की शरण का मंत्र है ना, मतलब जो ना भगवान के नाम है मंत्र जपना, ओम नमः शिवाय बोलते जिससे, वैसे हरि ओम बोलते वैसे। मालिक सबका एक है, हाँ जी, बोलना अलग है चलना बिल्कुल बिल्कुल। एक मालिक की ने दिया, एक मालिक की पास सबको जाना, हाँ जी,
वो एक मालिक जो ना कोई अलग नहीं होता ऊपर वाला एक है सबके बीच में इधर आएगा मछलियां बहुत होता देखा सबसे ज्यादा यहाँ बैठता है यहाँ पे मछलियां लाफिंग गैस की तरह है इसमें ये खा के हंसते ही रहते हैं देखिए हंसते नहीं रहते ये बहुत ही टेस्टी वाला हुआ है ओह यार कैसा लगा आपको मैडम जी यम्स
ये मिर्च कहाँ से आ गया? अच्छी अंदर डाले हो क्या? ये तो इन्होंने डाला थोड़ा ऐड करने के लिए। क्या है मिर्च नहीं खा रहा पाते आप? दोनों देख लाइन। इसके ऊपर डाल मिलते नहीं सॉस जैसे डालने को? हाँ। अच्छी ना मिर्च ऐड करने को मिलता है। अभी यार ढंग से मिर्च नहीं बनो। कुछ और। ऐसे खाते देखो। हाँ। कैसे देखी ले आपको कैसा है? बहुत बढ़िया है पर थोड़ा मिर्च ज़्यादा है। आप इसको ऐसे कभी खा सकते हैं रोल करके तो छो ऐसे पूरे खाना पड़ता है, नहीं तो इसमें देखो कितना सारा मिर्च है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं मंडी बस स्टॉप पे और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब हमें जो गवर्नमेंट बस है वो 9 बजे मिलेगी हमीरपुर के लिए और जो जाहू के लिए 8:30 बजे और अभी बजे 7:30। तो अभी बहुत टाइम है और हमने शायद से मेरे ख्याल में हमने गलती कर दी, हम मंडी के बस पर आ गए हम रिवाल्सर से। हमें वेट करके जाहू के बस में जाना चाहिए था, हमने वहाँ देखा कि बस आई तो हम इसी में आ गए, हमें लगा मंडी से बसें जाती रही होगी और अब ये जो हो गया हमारे साथ जो, तो अब वेट करना पड़ेगा, देखते हैं अगर कोई प्राइवेट बस मिले तो उसमें जाएंगे, अदरवाइज वी हैव टू बी वेट ये। तो अभी थोड़ा घूम लेते हैं इधर मार्केट में और देखिए ये आपका बस स्टॉप है, काफ़ी बड़ा है।